हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज की बेहतरीन एक जॉब अपडेट तो नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। जो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का फॉर्म फिल किया गया था, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था आपका 04/2018 का, उसका एग्ज़ाम सिलेबस की नोटिस आ गई है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो जेई के 1470 पोस्ट हैं इसमें, एंड संगणक के 4 हैं और फोरमैन के 3 पद हैं। मीन्स टोटल 1477 पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई थी 04/2018। ये इसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या नंबर था। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, तो आप देख सकते हैं, अगर पूरी नोटिस की बात करें तो इम्पॉर्टेंट नोटिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह ग मीन्स ग्रुप सी की भर्ती के लिए नियमावली दिनांक 11/5/2000 कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार जो है इसमें इंटरव्यू बंद कर दिया गया है। अब इंटरव्यू नहीं होता है, तो केवल रिटेन एग्ज़ाम मीन्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा योजना, ये 2018 में जो जेई का फॉर्म भरा गया है 1477 पोस्ट के लिए, 1470 पोस्ट के लिए, उसका ये एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसमें बात करें तो फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, इसमें 2 पेपर होंगे, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकेंड मीटिंग में। फर्स्ट पेपर में आपका जो है भाग 1 में आपका रहेगा हिंदी तथा अंग्रेजी, जो कि हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मीन्स टोटल 50 नंबर का हिंदी होगा आपका, और अंग्रेजी के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और इसके भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, मीन्स 50 अंक का होगा। और आपका भाग 2 में इसमें रहेगा आपका रीजनिंग, जीके, जीएस एंड कंप्यूटर, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मीन्स 100 क्वेश्चन 3 नंबर के। तो टोटल नंबर आप जो है अंक की बात करें तो 300 अंक का जो है आपका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें रीजनिंग, जीके, जीएस और कंप्यूटर रहेगा, और पार्ट 1 में आपका हिंदी और अंग्रेजी के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स टोटल 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। अगर टाइम की बात करें तो आपका जो है 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं सुबह 10 से 12 बजे के बीच आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे आपका। पार्ट 1 में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, और पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एंड जीके जीएस। अब बात करते हैं, ये आपका जो पेपर 1 होगा, ये सभी के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए सभी के लिए सेम रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की, तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका जो है पेपर 2 आपका पार्ट 1 रहेगा आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे, मीन्स 150 क्वेश्चन आपका रहेगा, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, मीन्स 600 नंबर का आपका पेपर होगा आपका पेपर 2। इसी में अगर बात करें ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो इनका जो है पार्ट 2 भी रहेगा इसमें सम्मिलित, तो इनके लिए जो रहेगा वो भी आपका 150 क्वेश्चन होगा जो है 600 नंबर, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मीन्स टोटल 600 नंबर का होगा। जो पेपर 2 होगा आपका वो 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होगा, और पेपर 1 जो होगा आपका, उसको मैंने बताया आपको, वो सुबह आपके 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस थी आपका 2018 जेई सिलेबस के लिए। अब बात करते हैं टोटल जो आपका योग होगा, मीन्स टोटल पार्ट 1 और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 300 रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो होगा आपका 1000 नंबर का पेपर होगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के। आपका निगेटिव मार्किंग भी इस बार ऐड कर दिया गया है, 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसका 1/4 मीन्स 0.25 नंबर आपके एक क्वेश्चन गलत करने पर कट जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट नोटिस था, और आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस दिया गया है नीचे, जो कि आपका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो पूछा गया सामान्य बुद्धि
परीक्षण। हिंदी की बात करें तो हाई स्कूल लेवल तक आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के पेपर में, आप हिंदी के पेपर में आप यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी आपका हाई स्कूल के लेवल का होगा। आप लूसेंट ले लीजिए, वो सफिशियंट है, और इंग्लिश भी आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा। इसके लिए आप जो है एक्सीलेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है आपकी जनरल इंग्लिश की, वो आपका सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट आपका पार्ट टू में आपका यहाँ से जो है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षा, सामान्य जानकारी में आपका जीके एंड जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर रहेगा। तो कंप्यूटर में आपका ये जो कुछ टॉपिक्स आपका यहाँ दिया गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें पेपर टू की, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग से है, तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में आप ये पेपर्स सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स आएंगे, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है छोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिकल के भी सिलेबस आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतर सिलेबस को समझने के लिए। मैकेनिकल के लिए भी आपका ये सिलेबस रहने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कृषि के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। इसी प्रकार आप देखते हैं विंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग के लिए आपका ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एग्ज़ाम की डेट तो आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम जो है, जो यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर में कराया जाना है। तो परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, आप किसी भी तरह की ढिलाई ना बरतिए। एग्ज़ाम टाइम से होना है क्योंकि इन्होंने सिलेबस टाइमली दे दिया है, तो अक्टूबर लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम हो जाना है, या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा अगर एग्ज़ाम टलेगा तो। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।